तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करेंगे हम अपने जो हमारा टॉपिक जो चल रहा है, मोशन इन वन डायमेंशन, एक विमा में गति। इसमें हमने प्रीवियसली चाल के कॉन्सेप्ट को यानी स्पीड के कॉन्सेप्ट को समझा था, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था औसत चाल, तात्क्षणिक चाल, जितने भी प्रकार के चाल हैं, ठीक है। आज हम सिमिलरली बात करेंगे वेग के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सीधे अपना लेक्चर बिना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम सबसे पहले हेडिंग पुट अप करते हैं वेग की। तो भाई वेग और चाल जो है दोनों उसी प्रकार से सिमिलर हैं जिस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है, जिस प्रकार से विस्थापन और दूरी एक दूसरे से समानता या फिर असमानता या फिर डिफरेंस रखते हैं, वैसे ही वेग और चाल में भी है, ठीक है। सबसे पहले वेग एकांक समय में जो किसी वस्तु द्वारा उत्पन्न वस्तु द्वारा तय जो विस्थापन होता है वो वेग कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लिखते हैं वी से, वी बराबर विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बटे समय, ठीक है। अच्छा, ध्यान देंगे यहां पर तीन चार बातें। सबसे पहले यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। डेफिनेशन लिख लेंगे ना इसकी। डेफिनेशन क्या बताई? एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय विस्थापन, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब दिशा पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि ये विस्थापन विस्थापन पर डिपेंड कर रहा है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, और विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। तो वेग भी क्या हो गया यहाँ पे? सदिश राशि हो गया। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है इसका एसआई मात्रक। एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, वही जो चाल का था। ये तीसरा पॉइंट आ जाता है, आप जानते हैं हम किसके ऊपर बात करेंगे, डायमेंशन, विमा। क्या विमा होनी चाहिए भाई वेग की? वेग की विमा वही होगी जो चाल की विमा थी। क्यों? एल टी माइनस वन। क्यों? क्योंकि दोनों का मात्रक सेम है तो विमा भी सेम होगी, है ना। चलिए, तो ये कुछ बातें हैं। अब ठीक उसी प्रकार से, ठीक है, अब इसको हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आज हमको क्वेश्चन करने हैं। वेग भी चार प्रकार से हम क्लासिफाई करते हैं। वेग को भी हम चार प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसके डेफिनेशन हम दे पाएंगे जब कोई वस्तु समान विस्थापन तय करती है समान समय अंतराल में, तो एक समान वेग हो जाएगा। असमान या फिर परिवर्ती वेग, असमान यानी परिवर्ती वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर वेरिएबल वेलोसिटी, चेंज हो जाएगा। टाइम अगर मैं समान ले रहा हूँ तो दूरी विस्थापन जो होगा वो समान नहीं रहेगा, या फिर विस्थापन अगर मैं समान ले रहा हूँ तो टाइम जो है वो समान नहीं रहेगा, यह कहने का मतलब। इसके बाद औसत वेग, औसत वेग का क्या फॉर्मूला होगा भाई? औसत वेग का फॉर्मूला ध्यान रख लेना है, कुल विस्थापन पूरी यात्रा में जो कुल विस्थापन है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे कुल समयावधि, टोटल टाइम टेकन। एंड लास्ट वन इज तात्क्षणिक वेग। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेलोसिटी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर किसी एक क्षण विशेष पर जब हम किसी वस्तु के वेग को डिस्कस करें तो उसका तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। जैसे मैं बोलता हूं कि एक गाड़ी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक मिनट तक चली, मतलब 60 सेकंड तक चली। अब मैं बोलूं अगर 40 सेकंड पर जब वो पहुंची थी तो उसका वेग कितना था, 40वें सेकंड पर उसका वेग कितना था, तो उसका तात्क्षणिक वेग हो जाएगा। अगर हम किसी पूरी यात्रा में किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वो उसका तात्क्षणिक वेग कहलाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने तात्क्षणिक चाल में देखा था, इंस्टेंटेनियस स्पीड में देखा था, ठीक। फिर हम कह रहे हैं कि औसत वेग, देखो औसत वेग का कॉन्सेप्ट हम कब यूज करेंगे, जब एक समान वेग रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं,
एक समान वेग में अगर कोई ऑब्जेक्ट गति कर रहा है, एक समान वेग से चल रहा है, तो पूरी यात्रा के किसी भी बिंदु पर उसका कोई सा भी वेग उठा लो, वो उसका वेग हम कंसिडर करेंगे। लेकिन लेकिन अगर वो परिवर्ती वेग से, यानी कि उसका वेग चेंज हो रहा है, तो पूरी यात्रा में किसी एक बिंदु पर उसका वेग अलग, दूसरे बिंदु पर अलग, तीसरे बिंदु पर अलग, चौथे बिंदु पर अलग होगा, तो हम कौन सा वेग कंसिडर करें, है ना, क्योंकि सारे वेग की वैल्यू तो अलग अलग है। तो यहाँ पर हम औसत वेग, सारे वेग ले लो, उनका औसत निकाल लो, और वो हमारा एवरेज वेग। या फिर इसका सीधा सीधा हिसाब किताब है कि कुल विस्थापन देख लो, कुल समय कितना लगा, और औसत वेग वहां से निकाल लो। तो ये कुछ हमारे पास फॉर्मूला है, इनको जल्दी से नोट डाउन करेंगे। इसके साथ ही औसत चाल का फॉर्मूला याद है ना, औसत चाल का भी लिख दे रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन अभी दे रहा हूं आप लोगों को उससे। औसत चाल, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो ये जरा जल्दी से नोट डाउन करो, फिर मैं क्वेश्चन यहां पर करवा रहा हूं, कुछ इनमें हेल्प करे जरा। चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चंस करने का समय आ गया है, ठीक है, और आज हम ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग पूरा ध्यान, पूरा जो अपना सारे एफर्ट इन क्वेश्चन को करने में लगाएंगे, जो भी चीजें हमने अब तक सीखी है उसको अप्लाई करने का टाइम आ गया है। आपने कितना सीखा, कितना आपको ध्यान है, कितना नहीं ध्यान है, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो यहाँ पर टेस्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस करिए जरा, और क्वेश्चंस करके देखिए कि आपसे कितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं। एक लड़का तीन मीटर पूर्व दिशा में दो सेकंड में चलता है, दो सेकंड में चलता है, उसके बाद दो मीटर पश्चिम दिशा में तीन सेकंड में चलता है। ज्ञात कीजिए उस लड़के का औसत वेग, औसत चाल। चलिए जल्दी से करेंगे क्वेश्चन को। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है। चलिए एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ क्वेश्चन के लिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग समझ पाए होंगे इसको, एक मिनट के अंदर इसका आंसर निकाल के बताइए, और जिसका आंसर आ जाता है हाथ खड़े करके बताएं। चलिए क्वेश्चन को आपने कुछ इस प्रकार से सॉल्व किया होगा। देखिए, ये हमारा पूर्व दिशा हो गई, तो ये हमारा क्या हो गई भाई, पश्चिम दिशा हो गई। यहां पर सपोज वो लड़का है, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि ये लड़का सपोज यहां पर है, पूर्व दिशा इधर की तरफ है, पश्चिम दिशा ऑपोजिट होती है ना, यहां से चलना स्टार्ट करा। अब ये बोल रहे हैं तीन मीटर पूर्व दिशा में, मतलब इधर की तरफ चलाइए तीन मीटर, और कितना टाइम लगा इसे, दो सेकंड का टाइम लगा। फिर ये यहां से दो मीटर पश्चिम दिशा में, मतलब यहां से ये दो मीटर इधर चलता है। तो कहने का मतलब, अब ये जो बीच की ये जो स्टार्टिंग वाली जो डिस्टेंस बची है, ये एक मीटर और चलेगा तो अपने स्टार्टिंग के पॉइंट पर पहुंच जाएगा। मतलब कि अब अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर जो कुल दूरी हुई, कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस, तो पहले वो तीन चला फिर दो चला, टोटल डिस्टेंस तीन और दो, पांच, पांच मीटर। और कुल विस्थापन की अगर बात करूं तो कुल विस्थापन में आप जानते हैं कि हमने क्या सीखा है, हम ये नहीं देखते कि वो कितना चला है, क्या चला है, हम ये देखते कहां से उसने शुरू करा, कहां पे खत्म करा। तो यहां से शुरू करा, यहां पे खत्म करा, ये दूरी कितना, एक मीटर, तो विस्थापन कितना हो गया भाई, एक मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं औसत वेग और औसत औसत चाल के ऊपर। तो सबसे पहले औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, क्या फॉर्मूला बताया था, कुल विस्थापन बटे कुल समय।
तो कुल विस्थापन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो कुल समय कितना लगा उसे, पहले वो 2 सेकंड आगे गया 3 सेकंड में पीछे आया, तो कुल विस्थापन कितना है भाई 1 मीटर और कुल समय कितना 2 + 3 1/5 0.2 और मात्रक क्या होगा मीटर प्रति सेकंड। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, ये आया हमारा एवरेज वेलोसिटी औसत वेग 0.2 मीटर प्रति सेकंड। और इसी तरीके से अगर मैं निकालूं एवरेज स्पीड को यानी औसत चाल, तो औसत चाल बराबर विस्थापन की जगह क्या आ जाएगा दूरी 5, कुल समय 5, 5 से 5 कट गया 1 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गया भाई, ये आ गया हमारा दूसरा आंसर, ये क्या है हमारा औसत चाल। तो लिख देंगे यहाँ पर औसत चाल कितना आया, आंसर लिख देंगे लास्ट में, औसत चाल आया हमारा, औसत वेग आया है 0.2 मीटर प्रति सेकंड और औसत चाल आया है 1 मीटर प्रति सेकंड। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, जल्दी से नोट डाउन करें। कर लिया आपने, वेरी गुड। अब एक फॉर्मूला या फिर एक नोट जो है नोट की फॉर्म में बात याद करें, कोई व्यक्ति अगर ऐसे चलता है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, किसी व्यक्ति ने अपनी एक यात्रा करी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, अब सपोज वो यहां से यहां जाते हुए उसकी चाल थी V1, उसकी चाल कितनी थी V1, और वापस आते हुए उसकी चाल थी V2। समझ में आया, देखिए मैं इसको और अच्छे तरीके से समझाता हूं। जैसे आप लोग गांव जाते हैं, है ना, आप लोग सपोज अपने घूमने गए कहीं मामा के गांव, है ना, या फिर इस तरीके से आप कहीं गए, तो जाते हुए तो आप गए अपने दोस्त की गाड़ी में सपोज, तो क्योंकि वो आपके दोस्त की गाड़ी थी तो आप जल्दी जल्दी गए, जाते हुए आपकी कुछ स्पीड होगी V1। अच्छा, वापस आते हुए अब आपका दोस्त आया नहीं आपके साथ, तो आपको बस में आना पड़ा, पब्लिक व्हीकल में आना पड़ा, है ना, तो पब्लिक व्हीकल में जो पब्लिक व्हीकल होते हैं आप जानते हैं वो क्या करेंगे, वो सवारी भी भरेंगे रुकेंगे भी, है ना, रुकते रुकते चलेंगे, तो उस टाइम आपकी चाल कुछ अलग होगी, V2 चाल है आपकी। अगर कभी ऐसा हो, ये दो पॉइंट जो है ये दो पॉइंट के बीच की दूरी समान है, क्योंकि ए से बी जा रहा है फिर बी से ए आ रहा है, मतलब डिस्टेंस उतनी ही कवर कर रहा है, दूरी उतनी ही तय कर रहा है दोनों बार में। अगर कभी ऐसा हो तो ध्यान से समझना, यहां पर विस्थापन कितना है, यहां पर विस्थापन कितना है बताओ जरा, क्योंकि वो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा था और वापस ए पॉइंट पर ही आ गया, जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा था उसी पॉइंट पर वापस आ गया, इसीलिए इसका कुल विस्थापन जीरो हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, इसीलिए औसत वेग भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा भाई इस यात्रा का। इसको याद रख लेना बात को, मैं इसीलिए नोट की फॉर्म में समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं नोट की फॉर्म में इस बात को समझा रहा हूँ, ठीक है। और अगर औसत चाल अगर आपको निकालने को बोली जाए, औसत चाल एवरेज स्पीड, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना, 2V1V2 अपॉन V1 + V2, 2V1V2 अपॉन V1 + V2, ये दो फॉर्मूलाज हैं, ये आपको हेल्प करेंगे जब इस तरीके के क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन का पैटर्न समझिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा है कुछ स्पीड से
और फिर दूसरे बिंदु से वापस उसी बिंदु पे आ रहा है कुछ स्पीड से। मतलब दूरी जो दोनों केस में तय करी गई है, दूरी दोनों केस में बराबर तय करी गई है, चाल अलग अलग है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करेंगे और फिर इस पर एक क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन लिखेंगे इसमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होता तो देखिए कितनी बड़ी दिक्कत आती ये क्वेश्चन करने में आपको, अभी समझेंगे। एक बस अपनी यात्रा की आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जबकि आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, इसकी औसत चाल क्या होगी? औसत वेग तो बता देंगे ना, अगर ऐसा क्वेश्चन डाल दिया और औसत वेग पूछ लिया तो बता देंगे ना, जीरो। औसत वेग में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना? तो सॉल्यूशन करें इसका, मैं 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको और आसानी से हो जाएगा, है ना? बस कोशिश कीजिए आप, जो अब तक मैंने बात बताई है उसके बेसिस पर जल्दी से करें। चलिए तो किस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, जिनका आंसर आ गया देखिए क्वेश्चन वही है। अगर आप लोग क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए तो क्वेश्चन वही है। अच्छा, औसत चाल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या बताया था स्टार्टिंग में? कुल दूरी बटे कुल समय। ना तो यहाँ पर दूरी दे रखी है, ना समय दे रखा है, और ना उसको निकालने का कोई तरीका दे रखा है ना? निकाल सकते हैं आप, लेकिन आपको आधी दूरी को x मानना पड़ेगा, है ना? फिर आधी दूरी के लिए आप चाल बराबर दूरी बटे समय करेंगे तो समय वहां से निकलेगा, है ना? ऐसा ऐसा तरीका है, वो भी मैं करके बता देता हूँ अभी। दोनों तरीके से, जो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया उससे कैसे निकालेंगे, और जो अगर फॉर्मूला नहीं बताते तो कैसे निकालते, दोनों से बताता हूँ। ठीक है, अच्छा देखो जरा ध्यान से। पहले तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ। औसत चाल का फॉर्मूला क्या बताया था? क्वेश्चन वही है भाई, क्वेश्चन वही है कि ये बस यहाँ से यहाँ तक गई, आधी दूरी अपनी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, चाल से, और फिर आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की, है ना? ये दे रखा है हमको, चाहे यहां से यहां बोलो, यहां से आधा, मतलब आधी आधी दूरी तय कर रही है, मतलब बराबर दूरी तय कर रही है। जो हमारा कॉन्सेप्ट बन गया वो उसी तरीके का बन गया। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? औसत चाल बराबर क्या फॉर्मूला पड़ा था? 2v1v2 upon v1 plus v2। जो अलग अलग चाल दे रखी है उसको, एक को v1 ले लो और एक को v2 ले लो, तो 60 upon 30 plus 60। अब इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो बदलो, नहीं बदलना है तो जो अपना आंसर आएगा वो भी किलोमीटर पर घंटे में आएगा भाई, है ना? 2 × 30 × 60 बटे हो जाएगा 90। ये जीरो से ये जीरो काटो और 3 × 3 = 3, 3 × 9 और 3 × 2 = 6। तो टोटल लग गया 2, 10, 2, 2 × 4 = 40। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो है एवरेज स्पीड यहाँ पर बन गया हमारा आंसर। बात समझ में आई या नहीं आई? देखिए कितनी आसानी से हमने निकाल दिया। अब सपोज आप बोलते हैं सर फॉर्मूला अगर हमको याद नहीं है, है ना, तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आ तो वैसे भी जाएगा पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सपोज दैट हमको फॉर्मूला याद नहीं है। आप सपोज मैं बोल रहा हूँ दोनों दूरियों को मैंने बराबर में बांट दिया, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। पहले आधी दूरी के लिए उसका जो चाल है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरी आधी दूरी के लिए उसका जो चाल है वो 60 किलोमीटर पर आर है। यहाँ पर भी आपकी मर्जी है, अगर आपको ये कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में तो कीजिए, नहीं तो आंसर यहाँ पर भी 40 किलोमीटर पर आर आने वाला है।
अच्छा दूरी मैं यहाँ पे डी मान लेता हूँ, तो ये दूरी भी क्या होगी, डी, क्योंकि बोला आधी दूरी और दूसरी फिर आधी दूरी, आधी आधी ए, तो आधा और आधा क्या होता है, बराबर होता है, तो ये डी है तो ये भी डी दूरी है। अच्छा समय मैं यहाँ पर मान लेता हूँ टी वन और यहाँ पर समय ले लेता हूँ टी टू। अब आप जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। इसी तरीके से इधर टी टू इज इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन वी टू। बोलो बात समझ में आई नहीं आई। अब टी वन बराबर डी अपॉन 30 और ये टी टू बराबर डी अपॉन 60। अब लगाओ फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला लगेगा औसत चाल का। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो रखते हैं वैल्यू, कुल दूरी कितनी है भाई, कुल दूरी पहले वो डी चला और फिर डी चला, तो डी प्लस डी हो गया कुल दूरी। कुल समय कितना, पहले में डी बाई 30 था टी वन, और टी टू कितना है, डी बाई 60। कुल समय मतलब टी वन प्लस टी टू है ना, इसको आप एक लाइन लिख करके टी वन प्लस टी टू उसके बाद कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ हो जाएगा 2D। अब नीचे जब आप एलसीएम लेंगे डी बाई 30 डी बाई 60 का, तो मेरे ख्याल से ये आएगा 60 2D प्लस डी 3D, तो ये डी से डी कट गया, 3 से 20 टाइम्स कट गया, 20 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ भी आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो देखो भाई दोनों तरीके से आंसर हमारा सेम आना है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, बट एक तरीके से आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आंसर सेकेंड्स में आ जाएगा, सेकेंडों में आंसर आ जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। लेकिन फॉर्मूला याद नहीं है तो भी आंसर आ जाएगा भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी बहुत मुश्किल नहीं है, है ना, आसान है, हमने बेसिक फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूले से हमने काम करा है ना। तो दोनों में से कोई सा भी तरीका आप फॉलो कर सकते हैं, मैंने दोनों तरीके से सवाल को सॉल्व यहाँ पर करवा दिया है, नोट डाउन करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बातें जो आपके साथ डिस्कस हमने करी वो आपकी समझ में आई होंगी। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने की आदत डालनी है ना, कि आधी दूरी कुछ अलग चाल से, आधी दूरी जो हमारे डे टू डे लाइफ में होता ही है ना। आप लोग बस में सफर करते हो तो बस जब निकलती है शहर से तो शहर में वो धीरे धीरे चलती है, फिर उसके बाद जब हाईवे आते हैं खुली सड़क, जब वो शहर से बाहर जाती है तो वहाँ पर वो अपनी एक स्पीड मेंटेन करके चलती है, फिर उसके बाद फिर शहर हो गया, स्कूल हो गया, तो ये सारी चीज़ें ही तो हम यहाँ क्वेश्चन में कर रहे हैं, वही सारी चीज़ें तो हैं। तो डे टू डे लाइफ में जिस तरीके के इंसिडेंट होते हैं, जिस तरीके से आप इन चीज़ों को डील करते हैं, उनको आप क्वेश्चन बना करके सॉल्व करिए। ये फॉर्मूलाज हमने डिस्कस करे हैं यहाँ पर, है ना। इसके आगे वाले पार्ट में हम एक्सेलरेशन के ऊपर बात करेंगे, त्वरण के ऊपर बात करेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बात करेंगे। आगे हम ग्राफ्स को भी देखेंगे, गति की जो समीकरण है उनका निरूपण करेंगे ग्राफ से, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले, इसीलिए अपना पूरा ध्यान जो है यहाँ पर जो क्लासेस होती हैं उसमें ध्यान बनाकर रखें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके भविष्य में, 100% काम आएंगी, 100% यूजफुल आपके लिए होंगी, बस आपको क्लास में जुड़ करके इन चीज़ों को समझना है और घर से रिवाइज करना है, जो नहीं समझ में आता है वो पूछना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।